कांग्रेस का वैशाली नगर में संकल्प शिबिर शुरू हुआ, इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी पहुंचे। राजेश तिवारी ने कहा कि वैशाली नगर का संकल्प शिविर कमजोर है और वक्ताओं ने बूथ लेवल पर मेहनत करने को कहा। साथ ही विधानसभा में दावेदारी करने वालों को बूथ की जिम्मेदारी दी गई। ब्रेड का एक पैकेट जो है वो 9 साल पहले 15 रुपए का आता था, अभी कितने का आता है? 35 रुपए का। और नारा क्या? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बदमाशी करती है। जो पिछले बार के 3 चुनाव जो है उसके जीतने के पीछे कारण यह है कि उनका आपको मालूम है वो पन्ना प्रभारी बना के रखे हैं। आप भी जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस वार्ड में आप लोग रहते हो, अगर आपका अपने वार्डों में व्यापक संपर्क है तो आप जानते हो कि आपका पड़ोस का व्यक्ति किस पार्टी की वोट देता है। जानते कि नहीं जानते? हम देखते हैं कि हाँ भाई, इस गली के लोग, इस घर के लोग, इस घर का ये व्यक्ति कांग्रेस को वोट देता है, ये दूसरी पार्टी को वोट देता है। तो जो भी आपके स्थानीय स्तर पे जो रहने वाले लोग, जिसका संपर्क मतदाताओं के साथ है, उसको एक एक वोट के बारे में पता चलता रहता है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो कांग्रेस को वोट देने वाला है, कौन सा व्यक्ति भाजपा को वोट देने वाला है, कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो माहौल को देख के कभी कांग्रेस को वोट देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। कहीं आपने देखा होगा ना कि जिन बूथों में अभी विधानसभा लोकसभा में हारे लेकिन नगर पालिका के चुनाव हुए होंगे तो उन बूथों में कांग्रेस पार्टी जीती। कैसे जीती?